सो भाई हम निकल गए हैं चंदनवाड़ी के लिए, पहलगाम को, पहलगाम का एक और खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। कैसा लगा आप लोग को आरू वैली? अभी हम लोग निकल गए हैं, जस्ट होटल आए, कुछ खाए वाए नहीं, बस थोड़ा सा फ्रेश हुए, उसके बाद फिर तुरंत निकल गए। टाइम बच गया 2:11, यहाँ से हमारे होटल से 14 किलोमीटर बता रहा था, अभी क्या 13 किलोमीटर बता रहा है चंदनवाड़ी। और फिर जब लौटेंगे हम लोग तो रास्ते में ही बेताब वैली आएगा, तो बेताब वैली भी कवर कर लेंगे, क्योंकि चंदनवाड़ी दूर में, तो सोचे कि चंदनवाड़ी को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर लौटते वक्त बेताब वैली बीच में ही पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए राइट करना पड़ता कहीं से। तो इधर के भी नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, बहुत खूबसूरत है पहलगाम। ऐसे जगहों को खाली देख के वाह वाह बोलने का मन कर रहा है। बेताब वैली, बेताब वैली के लिए यहीं से नीचे जाना पड़ता है, तो हम आते वक्त जाएंगे बेताब वैली। बहुत सुंदर रास्ता है भाई, देखो बेताब वैली जाएंगे जाएंगे अभी। यहाँ रास्ता काफी अच्छा है, चंदनवाड़ी जाते समय भी आपको हेयरपिन बैंड्स मिलेंगे रास्ते में काफ़ी, और अच्छे लगेंगे, मतलब ठीक ठाक है। देखो जैसे कि ये हो गया, देखो अभी और ऊपर चढ़ना है, यहाँ एकदम ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ना, और चंदनवाड़ी मुझे लगता है कि सबसे ऊपर होगा ये जगह में से, जो जो जगह हम लोग गए, पहलगाम, आरू वैली और कल जहाँ गए थे 22 रन। तो भाई लोग देखो, थोड़ा सा ट्रैक करके इधर से हम लोग आए हैं और यहाँ पहुँच गए ऊपर में। बाकी ऐसा कुछ लोकेशन है, बस कुछ खास तो लग नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग आते हो तो अमरनाथ यात्रा भी यही रूट से ट्रैक करके ऐसे जा सकते हो, इधर से आपको जाना पड़ेगा। जो लोग जाते हैं वो लोग जानते होंगे इधर से ये ट्रैक है। रोटी खाए, पराठा खाए, अब यहाँ से रेस्ट करने के बाद निकलेंगे। कुछ वैसा खास लगा नहीं, ठीक है। जो मीडो हमें दिख रहा था कल और आज आरू वैली में, वैसा कुछ लगा दिखा नहीं। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4:30 और हम बेताब हो रहे हैं जाने के लिए बेताब वैली। ये लास्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है पहलगाम में बेताब वैली, उसको कवर करेंगे। वैसे देखो चंदनवाड़ी आप ऐसे ही घूमने के लिए आ रहे हो तो, अगर अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हो तो ठीक है, सही आ रहे हो तो कुछ है नहीं खास वैसा। सो भाई देखो यही है बेताब वैली, ऊपर से हम लोग को व्यू मिल गया, हम लोग इधर से आ रहे थे, बस नीचे से जाएंगे तो नीचे से ऐसे जाना पड़ता है, लेकिन जो है सो यही है बेताब वैली, देख सकते हो क्या व्यू दिख रहा भाई, ज़बरदस्त व्यू।
रास्ता यही है बिताब वैली। आप लोगों को अच्छा लगा होगा ड्रोन शॉट, कभी भी आते हो तो नीचे से रास्ता जाने का। ये तो यहाँ से व्यू है, देखो मन तो है जाने का, लेकिन क्या हो जा रहा है कि कल से हमारा बहुत लंबा राइड शुरू होने वाला है, मतलब रिटर्निंग शुरू होने वाला है। कुछ पार्ट्स और हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि घर से भी बुलावा आ रहा है। आप लोगों ने हम लोगों का लास्ट एपिसोड सब नहीं देखा तो जाके देखो कैसे कैसे क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ, तबीयत ख़राब हो गया था सारे भाइयों लोग का। यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है बेताब वैली के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, तो अभी 5 बज चुके हैं ऐसे भी, तो जाके चेन थोड़ा सा टाइट करवाना है या चेन स्प्रे करना है, हवा चेक करना है, क्योंकि कल हम लोगों ने खतरनाक वाला ऑफ रोड किया था, क्या पता कहीं फिर से पंचर ना हो। ये सब काम है, सामान पैक करना है और कल सुबह हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे 6 बजे यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हम लोग को 3 दिन में पहुँचना है रांची। अब बाकी तो ड्रोन फुटेज में आप लोगों ने देख ही लिया, बेताब वैली यही है। कार में कुछ बच्ची लोग जा रही है, पीछे बैठी हुई है, हम लोग का फोटो ले रही है, वीडियो ले रही है मोबाइल से। अभी मैं आप लोगों को सामने से दिखाऊंगा, देख सकते हो वो एक जगह। हम और पहलगाम में पहुंच चुके हैं, वो जगह का नाम है गोल्फ कोर्स। सोचे चलो इसको भी क्यों पीछे रहेगा, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। सो ये देखो नज़ारे गोल्फ कोर्स का, देख रहे हो कैसा लग रहा बताओ। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है क्योंकि 5:30 होने वाले हैं, पर हम जब अपने आँखों से देख रहे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो भाई अब आप लोग को व्यू दिख रहा होगा, देखो क्या शानदार व्यू है भाई गोल्फ कोर्स का, मज़ा आता होगा भाई खेलने में। पहाड़ों से घिरे हुए, देखो इधर भी पहाड़ इधर भी। सो भाई बहुत मज़ा आ गया गोल्फ कोर्स देख के, मतलब ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं गोल्फ कोर्स देखा, इसलिए मन था कि भाई देखना है। सुबह भी मैं आया था लेकिन उस समय ये टर्मैक रोड देख रहे हो ना, इसका काम चल रहा है। एक्चुअली बात ये है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर मैच है कुछ, तो इसलिए हम लोग को भी शुरू में अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो अलाउ किए, लेकिन थोड़ा दूर तक बोले बस यहीं से देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि घास में चलोगे तो फिर घास ख़राब होगा, फिर बॉल अटकता है, तो इसलिए थोड़ा बस फ़ोटो खिंचाने दिए, वीडियो बनाने दिए, उतने ही मन भर गया, अच्छा लग गया। बाकी ये रोड वही बना हुआ है क्योंकि परसों मैच है, इसलिए कोई बोल तो ऐसे रहे थे कि इंटरनेशनल ही मैच है। सो भाई लोग देखो रात के अभी 10 बज चुके हैं, मैं अपने बेड में सो गया, मतलब लेटा हुआ हूँ, सारा चीज़ फाइल सब ट्रांसफ़र हो गया, लैपटॉप भी चार्ज वार्ज, मतलब कैमरा भी चार्ज में इधर लगा हुआ है। और कैसा लगा आज का आप लोग को पहलगाम, जो हम लोग एक्सप्लोर करके दिखाए, आशा करते कि अच्छा लगा होगा। ये है हम लोग का रूम, देख सकते हो भाई सामान पैक हो रहा है क्योंकि कल से भाई लंबा राइड करना है। अभी 2000 किलोमीटर हम लोग का घर है दूर, कल से घर वापसी शुरू हो जाएगा और हम लोग कोई जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और भी जगह कुछ था लेकिन उसको छोड़ना पड़ रहा है। कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भाई, अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है अगर आप लोग प्यार कर दिखाते हो तो। बाकी मिलते हैं कल के फ्रेश ब्लॉग में, कल हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे पहलगाम से जलंधर या उससे और आगे जहाँ तक हम लोग खींच पाए, 500, 600, 700 किलोमीटर कल
ट्राई करेंगे, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत मज़ा लगा पहलगाम आके, पहलगाम को एक्सप्लोर करके एकदम नया जगह में आए भाई, मज़ा आ गया। हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते कल की सफर में भाई।